सो गाइस, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं ओप्पो के A54 डिवाइस के अंदर आप एप्लीकेशंस को हाइड कैसे कर सकते हैं। ऐप हाइड सेशन काफ़ी इजीली आप जो है कर सकते हैं, काफ़ी इजी प्रोसेस इसका है, लेकिन कुछ लोग इसको यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा इजी से इजी तरीका ताकि आप उसको यूज़ करके अपने फ़ोन के अंदर एप्लीकेशंस को हाइड कर सकें। तो चलो हम दिखाते हैं कैसे ऐप हाइड करना है। तो ऐप हाइड करने के लिए हमें सबसे पहले फ़ोन सेटिंग को ओपन करना होगा, जिसमें अगर आप आएंगे तो इस तरह इंटरफेस मिलेगा। आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके आना है तो एक ऑप्शन आपको मिलेगा पासवर्ड एंड बायोमेट्रिक्स का, तो हमें इस पर क्लिक करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने इसमें ऑलरेडी कुछ एप्लीकेशंस को हाइड भी करे हैं और कुछ को लॉक भी करे हैं, तो हम यहाँ से पासवर्ड को रिमूव कर देता हूँ ताकि अगर कोई न्यू यूज़र भी है वो भी इस चीज़ को प्रॉपरली देख के कर पाए। इसको मैं डिसेबल कर दिया, सारी चीज़ डिसेबल हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, एप्लीकेशंस को हाइड करने के लिए सबसे पहले हमें एप्लीकेशंस को लॉक करना होगा। तो हम क्या करेंगे, अभी आप बोलोगे सर लॉक कैसे करना है, पहले हाइड करने के बारे में बताइए। नहीं, आप इस एप्लीकेशन लॉक पे, आप ऐप लॉक पे क्लिक करना, सेट पासवर्ड पे क्लिक कर देना, जिसमें 6 डिजिट का पासवर्ड बनाना है। हालांकि आप चाहें तो यूज अ डिफरेंट पासवर्ड टाइप पे क्लिक करके यहाँ से पैटर्न का चूज कर सकते हैं या फिर आप पिन का भी चूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं पिन चूज करके यहाँ पर कुछ भी आप टाइप कर सकते हैं जो आप पासवर्ड क्रिएट करना चाहें। और यहाँ पर व्हाट इज द नेम ऑफ वन ऑफ योर टीचर्स, आप चाहें तो इसका एक क्वेश्चंस का कुछ भी आंसर टाइप कर सकते हैं। आप क्वेश्चन चेंज करने के लिए सैरो पे क्लिक करेंगे, वहाँ से आप क्वेश्चंस को भी चेंज कर सकते हैं। सेट रिकवरी ईमेल का है, आप कोई ईमेल आईडी इसके अंदर डाल सकते हैं। लिंक अकाउंट पे क्लिक करके कोई अकाउंट यहाँ से लिंक कर सकते हैं। अब इनका यूज़ क्या होता है उसको समझिए। यहाँ पर जो क्वेश्चंस का आंसर हम दे रहे हैं, अगर अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो इसी क्वेश्चन आंसर की मदद से अपने पासवर्ड को हम रिकवर कर सकते हैं। इवन ईमेल आईडी का भी वही काम होता है। तो आप कुछ भी टाइप कर लेना, मैंने यहाँ पर रैंडम टाइप कर दिया, इसको हम डन कर देंगे। हमारा प्रॉपरली सब कुछ सेटअप हो चुका है। हमारे पास सेलेक्ट ऐप टू बी लोकेट का ऑप्शन आ रहा है, जिसमें 10 एप्लीकेशंस लॉक्ड करने के लिए सेलेक्टेड हैं। अगर मैं इसको लॉक कर दूं तो 10 एप्लीकेशंस लॉक्ड हो जाएंगे, जो आप देख सकते हो लॉक का साइन बन चुका है जो सेलेक्टेड थी। अब एप्लीकेशंस को हाइड करने के लिए हमें क्या करना होगा, एप्लीकेशंस को हाइड करने के लिए हमें किसी भी एक एप्लीकेशन पे क्लिक करना है जो लॉक्ड नहीं है। हालांकि जो लॉक भी हैं आप उस पर क्लिक कर सकते हो, जैसे मैं इस पर क्लिक कर देता हूं। और इसके बाद देखेंगे आप हाइड फ्रॉम होम स्क्रीन का भी ऑप्शन आ रहा है। अगर आप जो लॉक नहीं है उस पर भी क्लिक करेंगे तब भी इसको लॉक करेंगे तब भी हाइड फ्रॉम होम स्क्रीन का ऑप्शन आ जाएगा। तो एप्लीकेशन को हाइड करने के लिए जस्ट आप इसको ऑन कर देंगे और ये जो ऑन हो जाएगा। मेरे फोन में ऑन हो रहा है, लेकिन आपके फोन में यहां पर एक पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बोलेगा। तो सबसे पहले उस पासवर्ड को आपको समझना होगा, मींस कि अगर आप पासवर्ड क्रिएट करते हैं तो कैसे करेंगे। तो आप जब पासवर्ड को क्रिएट करेंगे तो सबसे पहले आपको हैज लगाना होगा, इसके बाद आप 4 नंबर या फिर 5 नंबर का जितना भी आपको पासवर्ड बनाना है आप उन नंबर्स को टाइप करेंगे, इसके बाद अगेन हैज लगा देना है और उसको डन कर देना है। लाइक इनेबल करने का भी बटन आपको नीचे मिल जाता है, जैसे आप उसको कर देंगे तो ये ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। मैंने इसको ऑलरेडी इनेबल करा है, इसलिए यहाँ से हमने सिर्फ एप्लीकेशन लॉक वाले पासवर्ड को हटाया था, हाइड ऐप को नहीं हटाया था, इसलिए यहाँ पर हाइड ऐप का पासवर्ड नहीं हटा है, ऑलरेडी हमारा लगा हुआ है। तो अब मैं इसको दिखाता हूँ, जब आप हैज लगा के कोई नंबर टाइप करेंगे, हैज दोबारा लगा देंगे तो आपका ऐप हाइड पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। इसको आप यूज़ करेंगे कैसे, उसके लिए हम यहाँ पर फ़ोन सेटिंग में जाएंगे, फ़ोन कॉल वाले में जाएंगे जहाँ से हम कॉल करते हैं लोगों को। अब ये भी लॉक्ड है, इसको हम पासवर्ड डालेंगे तो अनलॉक हो जाएगा। अब एप्लीकेशन जो हमने हाइड करी उसे देखने के लिए हैज लगाएंगे, जो आपने पासवर्ड डाला है, मैंने यहाँ पर 2, 3, 5, 6 पासवर्ड डाला, इसको डालना। और आपने जो पासवर्ड डाला आप उस पासवर्ड को डाल के इसके बाद हैज लगा के लास्ट में भी हैज लगा देना। इसके बाद हिडन ऐप्स आ जाएगी, जिसमें कैलकुलेटर को हमने अभी हाइड करा रिसेंटली, सो आप इसे देख सकते हैं यहाँ से। और अगर इसे यूज़ करना तो सिंपली क्लिक करिए, आप यहाँ से कैलकुलेटर को भी यूज़ कर सकते हैं। सो ऐसे ही ऐप हाइड का सेटिंग्स किया जाता है ओप्पो के A54 डिवाइस के अंदर। आई होप कि आप समझे होंगे। फिर भी अगर आपके मन में इसके रिगार्डिंग कोई कन्फ्यूजन वगैरह है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन है, आप हमें कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।